कीमा बनाने के लिए 2 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल लेंगे, और आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चॉइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको लेना है। तेल जैसे गर्म हो जाए तो कुछ गर्म मसाला इसमें डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ले लेंगे इसमें क्यूमन सीड्स जीरा, 2 से 3 जाएगी हरी इलायची, हल्का सा उसको 10 से 12 सेकेंड 15 सेकेंड फ्राई करना है। 20 से 25 सेकेंड के बाद इसमें 2 प्याज मैंने ले लिया है मीडियम साइज के, डाल देंगे इसमें। और इसको मिक्स करने के बाद इसको एक 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेते हैं। लगभग 8 से 9 मिनट के बाद 1 टीस्पून लहसुन डालेंगे इसमें, ताज़ा फ्रेश मैंने पीस लिया है, 1/2 चम्मच 1/2 टीस्पून जाएगा अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्च हमने बारीक काटी हुई ले ली है, कुछ सेकेंड इसको भी सॉटे कर लेते हैं 15 से 20 सेकेंड। और अब 1 टमाटर हमने बारीक काट लिया है, इसमें डाल देंगे। और बाकी के सारे ड्राई मसाले जो है हम इसमें डाल देंगे। तो 1/2 टीस्पून यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ले लिया है, 1/3 टीस्पून 1/4 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 चम्मच हमने ले लिया जीरा पाउडर, 1/4 1/4 टीस्पून लाल मिर्च रेगुलर वाला ले लिया है, पहले हमने कश्मीरी डाला था, अच्छे से मिक्स करके टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें कुक करना है। और 1/2 चम्मच हमने नमक ले लिया है, और आपको नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज करना है। और टमाटर जब तक अच्छे से गल जाते हैं हम इसको कुक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे 1 चम्मच भर, ताकि मसाले हमारे जो है जले नहीं। और मीडियम फ्लेम पे मैं 10 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लिया है, और 4 से 5 मिनट और उसको अच्छे से मैं कुक कर लूँगा। 7 से 8 मिनट के बाद यहाँ 250 ग्राम कीमा मैंने बिल्कुल अच्छे से धो के वॉश करके क्लीन कर लिया है, इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करना है। टेबलस्पून जाएगा मटन मसाला, 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल अच्छे से हमने खीमा और मसाला सब मिक्स कर लिया है, और अब खीमा कंप्लीट कुक हो जाए तब तक उसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहेंगे, और उसको लगातार इस तरह से बीच बीच में 1-2 मिनट में चलाते रहेंगे। 20 से 22 मिनट के बाद हमारा खीमा ऑलमोस्ट तैयार है, एक कसूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी, काफी सारा धनिया पत्ता, और तैयार है हमारा मटन खीमा। दोस्तों आपको रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं।